देखो यहाँ पे अभी भी नाश्ता बनने का ही है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक पहले से जमा है यहाँ पे। पर जो नेचुरल टेस्ट है यहाँ की वो कहीं नहीं मिलेंगी। हाय गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नागपुर जो है हमारा, वहाँ से रिलेटेड हम कुछ वीडियोस डाल रहे हैं, नागपुर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो नागपुर एक्सप्लोर करने के साथ साथ में नागपुर के फूड को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर जैसे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, वैसे ही हमारे नागपुर में जो है वो तर्री पोहा या फिर कह लो चना पोहा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वही नागपुर के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के लिए हम आए हैं अभी बड़का स्क्वायर में। तो बड़का स्क्वायर में हमारी एक फेमस दुकान है केशव चाय वाले भैया की, आपको अगर बोर्ड दिखाऊँ तो ये है। तो ये हमारे केशव चाय वाले भैया की दुकान है, जहाँ पे सुबह के टाइम में चाय के साथ आपको नाश्ता भी मिलता है, लेकिन बाकी दिन भर सिर्फ आपको चाय ही मिलेगी। और स्पेसिफिक टाइम है हमारा नाश्ते का। भैया अपना नाश्ते का कितने बजे तक रोज चालू रहता है? 8 बजे से 11 बजे, उसके बाद में अपने को नाश्ता नहीं मिलता भाई। शाम को चार से सात। अपना किस नाम से फेमस है यहाँ पे? केशव नाम से फेमस है। वैसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर नागपुर में आप यहाँ पे हो, आप सेंट्रल नागपुर में आते हो महल के साइड में, तो बड़का स्क्वायर में ये फेमस चाय वाली की दुकान जो है यही है, केशव चाय वाली दुकान। और यहाँ पे जो है हम सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो है नाश्ता भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जस्ट दुकान चालू हुई है और अभी मेकिंग प्रोसेस चालू है। तो यहाँ पे बन रहा है अभी तर्री पोहे का जो एलिमेंट है हमारा, तर्री यहाँ पे बन रहा है। नाश्ता बनने का ही है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक पहले से जमा है यहाँ पे। चाय तो बिल्कुल यहाँ पे तहे दिल से जो चाय बनाते हैं। आज से मैं, मेरा बचपन यहाँ गया, मैं 35 साल से केशव जी की सर्विस देख रहा हूँ। कुछ साल 10 साल बाद उन्होंने नाश्ते का भी प्रबंध किया। जो लोग रोजगार करने जाते सुबह सुबह यहाँ से हल्का फुल्का खा के जाते तो दिन भर एनर्जी पाते हैं। और केशव जी की चाय 7 रुपये में अखे विदर्भ में मैंने आज तक कहीं देखी नहीं है, महाराष्ट्र। और आजकल वो पुनेरी चाय वगैरह सब कंसेप्ट है, पर जो नेचुरल टेस्ट है यहाँ की वो कहीं नहीं मिलेंगी। इसके बाद हमारे गोयल जी कुछ दो शब्द बोलेंगे। प्रणाम। हमारा एक बहुत बड़ा योगा मंडल का ग्रुप है, इसमें प्रोफेसर से, डॉक्टर से, टीचर से और बिजनेसमैन हैं। हम जब भी संडे के दिन जब भी फ्री होते हैं तो हमारी पहली पसंद रहती है केशव चाय। 7 रुपये में बहुत ही बेहतरीन, स्वादिष्ट और लजीज चाय पिलाते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस वो इस दुनिया को देते हैं और हम यहाँ आके बहुत आनंद लेते हैं। यहाँ पर जो ये पंडित बच्छराज बैस का जो चौक है, यहाँ पे आना और यहाँ पे पल दो पल गुजारने में जो एहसास जो होता है, एक अलग ही मज़ा आता है, उसका मज़ा का हम अवर्णन ही है, मतलब बता नहीं सकते। केशव जी से मिला, जिन केशव जी की ये तारीफ कह रहे हैं उन केशव जी को हम दिखाते हैं अभी आपको। भलाई भी मेरी भलाई है। तो यहाँ पे अभी भीड़ जमा हो रही है, अभी भी नाश्ता बनने का है।
तो चलो वापस हम देखते हैं नाश्ते की रेसिपी। केशव की चाय, ये भी इधर बताओ कैमरा, और ये भी पीछे देखो, पीछे देखो, ये है कैश। मैं तो हमेशा पीता हूँ, बस बस, तो मैं हमेशा पीता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ संडे के दिन, जब भी मैं आता हूँ, लगभग संडे को तो हर यहाँ पे आता ही हूँ। और नाश्ता कभी कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरी आने की टाइमिंग थोड़ी जल्दी रहती है और इनका नाश्ता बनने का रहता है। लेकिन अगर कभी मैं 9:30 के टाइम पे अगर आता हूँ तो नाश्ता जरूर करता हूँ। तो अभी हमें जस्ट अभी नाश्ता मिला है। आपने देखा कि कैसे तर्री और कैसे पोहा यहाँ पे बनता है, तो अभी मुझे मिला है। वैसे मैं तो हर संडे को आता हूँ यहाँ पे खाने के लिए। चलो टेस्ट करते हैं कि कैसा है यहाँ पे हमारा तर्री पोहा। किशोर राव जी, सही में ज़बरदस्त। Thank you.